नमस्ते बच्चों, साई राम। पिछली कक्षा में हमने FA 4 के लिए हिंदी का रिवीजन शुरू किया था, अर्थात पुनरावृत्ति, जो एग्ज़ाम में आपकी परीक्षा में किस तरह से प्रश्न आएंगे, कैसे आपने उनको करना है, वो सब हम सीख रहे थे। और आगे का जो मैंने कहा था आपसे कि अगली कक्षा में शुरू कंटिन्यू करेंगे, तो आज हम आगे का भाग करेंगे। आइए चले, यहाँ देखिए अगला जो प्रश्न है, प्रश्न 3 तक हमने कर लिया था और अब प्रश्न 4, चित्र देखकर सही उत्तर चुनिए। इसमें क्या करना है, चित्र देखना है, चित्र के स्थान पर क्या किस चीज़ का चित्र है उसे लिखना है और वाक्य को पूरा करना है। Look at the picture and click on the correct answer. जैसे देखिए, पहला राम डैश बजा रहा है। मैंने डैश कहा है लेकिन यहाँ डैश नहीं है, यहाँ चित्र दिया हुआ है। आपने चित्र पहचानना है किस चीज़ का चित्र है और नीचे ऑप्शन में आपने क्लिक करना है वो किस चीज़ का चित्र है। यहाँ देखेंगे ऑप्शंस हैं, ढोलक, बाजा, बांसुरी। ऑप्शंस फिर से देखिए, ढोलक, बाजा, बांसुरी। और सही जवाब के आगे हम क्या करेंगे, देखिए सही जवाब ढोलक। किस चीज़ का चित्र है, ढोलक का। राम ढोलक बजा रहा है। इस तरह से आपने वाक्य पूरा करना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखेंगे अगला, दूसरा डैश जंगल का राजा है। किस चीज़ का चित्र है, यहाँ जो चित्र दिखाया है वो किसका है पहचान लिया होगा आपने, फिर भी हम ऑप्शन पढ़ेंगे, हाथी, घोड़ा, शेर। सही जवाब, आपने जवाब पहले ही बता दिया, ये है शेर। अब देखिए फिर से बोलिए, फिर से पढ़िए पूरा वाक्य, शेर जंगल का राजा है। शेर जंगल का राजा है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, तीसरा प्रश्न, सतीश ने डैश खाया। अब यहाँ चित्र देखिए, चित्र क्या है सही पहचाना, सतीश ने आम का चित्र है, तो क्या कहेंगे, सतीश ने आम खाया, सतीश ने आम खाया। यहाँ इस तरह से क्लिक करेंगे आम पर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, चौथा, चिड़िया डैश में रहती हैं। चिड़िया कहाँ रहती है, देखिए चित्र में सही पहचाना, फिर भी ऑप्शन देखेंगे, घर, गुफा, घोंसलों। सही जवाब घोंसलों में, चिड़िया कहाँ रहती हैं, चिड़िया घोंसलों में रहती हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों के लिए समानार्थी शब्द चुनिए, क्लिक ऑन द सिमिलर वर्ड। यहाँ हमने क्या करना है, जो शब्द दिया हुआ है नीचे ऑप्शन में से उनके समान अर्थ वाला जो शब्द है उसे क्लिक करना है। ओके, मीनिंग, आइए करते हैं। पहला है स्वादिष्ट और ऑप्शन है मज़ेदार, कड़वा, तीखा। स्वादिष्ट का अर्थ होता है मज़ेदार। अगला देखेंगे, दूसरा वन, ऑप्शंस हैं गांव, शहर, जंगल। और वन का सही अर्थ है जंगल, वन अर्थात जंगल, फॉरेस्ट।
इतना समझ लिए, आगे बढ़ेंगे। तीसरा देखेंगे पानी, और इसका ऑप्शंस दिए हैं इसके लिए, आकाश, जल, धरती। तो पानी का सही अर्थ है जल, पानी अर्थात जल। अगला देखेंगे ज़्यादा, और इसके लिए ऑप्शंस दिए हैं अधिक, कम, समान। ज़्यादा का अर्थ है अधिक, ज़्यादा अर्थात अधिक। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ देखेंगे प्रश्न छठवां, निम्नलिखित शब्दों के लिए विलोम शब्द चुनिए, क्लिक ऑन द अपोजिट वर्ड। इसका अर्थ है उल्टे अर्थ वाले शब्द। यहाँ देखेंगे पहला विदेश, और इसके लिए ऑप्शंस दिए हैं नीचे, गांव, शहर, गांव, देश, शहर। तो विदेश का क्या होगा, देश, विदेश, देश। इसका विलोम क्या होगा, देश। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। उठना, बिल्कुल सही, बहुत जल्दी आपने आंसर दिया, उठना, बैठना। उठना का अपोजिट उल्टा अर्थ बैठना, उल्टा उसका विलोम शब्द बैठना। आगे तीसरा देखेंगे सुंदर, और उसके लिए ऑप्शंस दिए हैं खूबसूरत, असुंदर, अच्छा। सुंदर, सुंदर का विलोम असुंदर, सुंदर, असुंदर। अगला चौथा पास, उसका ऑप्शंस देखेंगे इसके लिए, सामने, पीछे, दूर। तो पास का विलोम क्या होगा, पास, दूर, पास, दूर। उम्मीद है विलोम शब्द समझ रहे होंगे आपको, बहुत बढ़िया। अगला देखेंगे प्रश्न सातवां, नीचे दिए गए अंक अक्षरों के लिए सही अंक चुनिए, क्लिक ऑन द करेक्ट नंबर। आपको यहाँ अक्षर दिए हुए हैं और आपने अंक पहचानने हैं कि कौन सा अंक अक्षर लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, इसे पढ़ना है। देखिए पहला 14, इस तरह से आपको ये पढ़ना है अक्षर, और नीचे देखना है 14 कहाँ लिखा हुआ है अंक में। ये यहाँ देखिए 14। अगला देखेंगे दूसरा है 13, 13 आप पहचानिए, यस 13। या अगला देखेंगे तीसरा 15, यस 15 सही पहचाना, 15। तो इसी तरह से आपने सारे प्रश्नों को हल करना है, जो भी प्रश्न आपको आएंगे इसी तरह से मिलते जुलते आएंगे। आपको हमने किस प्रकार के प्रश्न आएंगे वो दे दिया है, प्रश्न उत्तर, फिलिंग द ब्लैंक्स, खाली जगह भरना है, और किसने कहा, विलोम शब्द, समान अर्थ वाले शब्द, अंक अक्षर पहचानना, इसी तरह के प्रश्न आपको परीक्षा में आएंगे हिंदी में। तो आपने इसे अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और सॉल्व करना है, हल करना है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, साईं राम।